2024 में हम लोग शिकस्त देने जा रहे हैं, और जब 2024 में इंडिया अलायंस की प्रिया जी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बैकवर्ड की SC ST की इनकी निश्चित रूप से केंद्र भागीदारी रहेगी। ठीक है सुनील अकबंशी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, और इसके अलावा सचिन रावत, पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, फिर सुनील जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि आप ही के नेता ने कहा था वो बार बार टीस क्यों देखने को मिल रही है। सचिन रावत, जिसके नेतृत्व में आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, एक बार फिर से उसी चेहरे पर आप भरोसा जता रहे हैं। अजय राय का मैं जिक्र कर रही हूं, उनकी मैं बात कर रही हूं, जिनके नेतृत्व में विधानसभा लड़ा, लोकसभा के लिए भी आपने उनके हाथ में कमान सौंप दी उत्तर प्रदेश की, आप भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? देखिए प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी ने पूर्णता स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी की है, और जहां तक पिछड़ों की राजनीति की बात अभी हो रही है, मैं तो पूछना चाहता हूं, अनिला सिंह जी यहां बैठी हैं, हम लोगों ने तो एक सुर में कहा है कि जाति जनगणना कराइए, जाति जनगणना की जो रिपोर्ट है वो आपके पास है उसको जारी करिए, क्योंकि 2014 से पहले ये लोग जाति जनगणना की बात करते थे, और 14 में सरकार बनने के बाद में जाति जनगणना की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज ये लोग कल्याण सिंह जी को बता रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, यहां पे बैठ करके अनिला सिंह जी कह रहे थे पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता आकर के मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे आप पिछड़े वर्ग के जात पे राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब उनके हक और हुकूक की बात आती है तब इन लोगों को कोई याद नहीं आती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इलेक्शन के पूरे इवेंट के जरिए ये चीजें करते हुए आ रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है या क्या कर चुकी है। इससे पहले भी आपकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तब आपने क्या किया था? कोई ऐसा चेहरा जिसको आपने गति सौंपी हो उत्तर प्रदेश की, जो पिछड़े जाति से आता हो? देखिए मैंने हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को बनाए, वो जो पिछड़ी जात के आते हैं, और मैं कह सकता हूं कि 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ी जात के बनाए हैं, उसमें अशोक गहलोत जी हो, भूपेश बघेल जी हो, सिद्धरमैया जी हो, ये लोग पिछड़ी जात की क्या बात करते हैं जो जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, और जातीय जनगणना का लगातार विरोध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है, और कल्याण सिंह की आज इनको याद आ रही है, जिनको 2 बार बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया, और उसके बाद वोट की फसल काटने के लिए ये रैली कर रहे हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं कि कल्याण सिंह के नाम पर हम गौरव दिवस मना रहे हैं। अरे झूठ कैसे आप लोग झूठ छल परपंच कर लेते हैं, बड़ी हंसी आती है। इसका जवाब मैं लूंगी, ठीक है अनिला जी से इसका मैं जवाब लूंगी। सुनील जी का मैं रुक कर रही हूँ सर, वापस मैं आपके पास आऊंगी, रुक करूंगी मैं, ठीक है। एक सेकंड जी, एक चीज मैं बोल देती हूँ, ये श्रीमान जी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, और अजय राय जी को कह रहे हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, भाई साहब वो भूमिहार ब्राह्मण है। अजय राय जी भूमिहार, अजय कुमार लल्लू जी की बात मैं कह रहा हूँ, भैया प्रिया सिंह जी ने सवाल किया था कि पिछड़ी जाति का किसको बनाए, मैंने अजय कुमार लल्लू जी के लिए बोला, कम से कम पूरी बात सुन लिया करिए। अजय राय जी को मुझे मालूम है भूमिहार जात के आते हैं, झूठ बोलना, अरे आप लोगों को कहां सिखाया जाता है झूठ बोलना? आरएसएस की पाठशाला में झूठ बोलना सिखाया जाता है? अजय कुमार लल्लू जी की बात मैं बोल रहा था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मैंने सवाल यूपी को लेकर किया, आप चले जाते हैं राजस्थान, आपने छत्तीसगढ़ गिनवा दिया, वापस आ जाइए सर इस पे, हम बात यूपी की कर रहे हैं ना, 80 लोकसभा सीट को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में भी फेरबदल हो रहा है, फिर से एक बार वो चेहरा आप लेकर आए जिसके नेतृत्व में आपने विधानसभा लड़ा, और क्या हश्र है ये हमने देख लिया, उसके बाद आप हटा भी देते हैं, फिर आप वापस लेकर के आ गए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, पूर्वांचल को किस तरीके से साधने की कोशिश आप अजय राय के जरिए कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मैं सुनील जी का रुख कर रही हूं, आखिर बार बार इस तरीके के बयान आपके मुखिया क्यों देते हैं? वो टीस है, किसी भी पार्टी के साथ आप जाते हैं, लेकिन आपकी जब हिस्सेदारी की बात आती है तो उसमें आपके साथ छलावा होता है। एक बार फिर मैं ये कह रही हूं, एनडीए का हिस्सा तो आप बन गए हैं, लेकिन अभी साथ है आप, चुनाव के बाद क्या होगा ये बात की बात है, कभी अखिलेश यादव के साथ, और आज इस तरीके की बात एक बार फिर से कह देना ओपी राजभर की तरफ से, ये किस और किस तरीके से हमले, कैसे देखे इसको, ये टीस बार बार क्यों सुबह सपा की? नहीं नहीं देखिए प्रिया जी, बात टीस की नहीं है, बात हिस्सेदारी की है। आखिर हिस्सेदारी देने का काम चार चार बार सरकार रही तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी देने का काम किया, चार बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही क्यों नहीं समाज हिस्सेदारी देने का काम किया, तो
आज हिस्सेदारी की बात को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते कि आखिर जब चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और आगे बनाने के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, तो क्या आगे हिस्सेदारी अन्य समाज के लोगों को देंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुझे 2019 के बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, तो लोग सोचने लगे कि अरवंशी बिराजी को ये प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना रहे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, तो अखिलेश यादव जी बोले ये बिरादरी कहां पे रहती, कैसे ले आए, कहां से ढूंढ लाए? तो वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी पिछली बिरादरी के लोगों को नहीं जान रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सूची में पिछले वर्ग की सूची जो आती है उसमें 2 नंबर पे अरवंशी बिरादरी का नाम है और अखिलेश यादव जी नहीं जानते अखिलेश बिरादरी अरवंशी। तो ऐसे तमाम ऐसी जातियां बिहार है, रजवार है, बहलिया है, बहुत सी तमाम ऐसी जातियां हैं जिन जातियों को अखिलेश यादव नहीं जानते। तो सिर्फ अखिलेश यादव को यह बताने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आखिर आप सरकार तो बनाने की बात करते हैं मगर इनको हिस्सेदारी देने का काम कौन करेगा। आज उत्तर प्रदेश में जो अगर किसी ने हिस्सेदारी देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाने का काम किया तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाने का काम किया। आज मैं टीवी चैनल पर आपके सामने बैठकर बोलने का काम कर रहा हूं तो उनका किसका श्रेय जाता है? आज तक अखिलेश यादव जी ने किसी अरवंशी को प्रवक्ता बनाने का काम किया? आज तक टीवी चैनल पर बैठ के बोलने का काम किया? हिस्सेदारी बात के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वहां भेजने का काम किया? नहीं किया। तो आज अभी आप देखिए कि जब मैं बोल रहा हूं तो ये हिस्सेदारी किसने दी? सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने हिस्सेदारी दी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी। तो आज ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे नेता को साधना है तो हर बार को साथ लेकर चलना होगा, ये बहुत हद तक सच भी है और ये हमने देखा भी है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है रुद्र प्रताप दुबे जी। सर आपसे मैं समझना चाहूंगी इस 2024 के समीकरण को। एक तरफ अखिलेश यादव है जो सवर्णों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसी नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ओबीसी कार्ड भी इस बार खेलती नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके की छवि बना दी गई थी उत्तर प्रदेश में खास करके, उस छवि से निकलना 2024 में बहुत जरूरी है। प्रिया जी तथ्यों के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। विषय की भूमिका रखते हुए आपने बीजेपी को पहले रखा, हिंदू गौरव दिवस की बात पहले की। समझ लेते हैं पूर्वांचल में बीजेपी के पास अनुप्रिया जी हैं, संजय निषाद जी हैं, खुद बीजेपी है जहां पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से ही आते हैं। दारा सिंह चौहान जो ओबीसी समाज से आते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो पूर्वांचल को मोटे तौर पर अगर कागजों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतने सुरक्षित और मजबूत मानती है। अब बचा पश्चिम। पश्चिम में आप समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा बनती है तो यह गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने की। यह पश्चिम वो जगह है जहां पर उसने 2019 में 6 सीटें लूज कर दी थी। अब पश्चिम कैसे बनेगा? क्योंकि वहां पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा है और भारत और भारतीय जनता पार्टी का जातीय समीकरण ठीक नहीं है। तो सबसे बेहतर है कि वहां पर कल्याण सिंह जी के नाम को आगे किया गया। कल्याण सिंह जी के साथ दो फैक्टर साथ चलते हैं। एक तो ओबीसी समाज से आते हैं, दूसरी बात जिस तरीके से उन्होंने राम जन्मभूमि की नेतृत्व की संभाला था वो हिंदू हृदय सम्राट भी कहलाए जाते थे उतने वक्त। तो ये दोनों चीजें अगर साथ में आ गई, दूसरी बात जाट की बहुलता है वहां पर, अगर जाट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर रखा भूपेंद्र चौधरी जी को, कल्याण सिंह जी के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम एक तरीके से सेट करने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के आज के इस पूरे आयोजन को आप 2024 के लोकसभा चुनाव से अच्छी तरह कनेक्ट करके देख सकती हैं। और अगर आप रणनीति के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बढ़त हासिल की है इस जमावाड़े को देखकर आप कह सकती हैं।